बच्चों, आपने पिछले वीडियो में मैंने जो पहला पार्ट था आपका विमल इंदु की विशाल किरण, उसको आपने पढ़ा और देखा। अब हम इसी के साथ अपना अगले चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर का नाम है पंच परमेश्वर, ठीक है। तो उसका जो मैंने पार्ट का वीडियो है, मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट पढ़ाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम करेंगे पूरा अभ्यास, ठीक है, जो पोर्शन है उसको करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें सप्ताह के दिए हुए हैं, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, तो आप उनको देख के लिख सकते हैं और मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ, ठीक है। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मीन्स होता है जायकेदार, ठीक है। दूसरा है गृह स्वामिनी, गृह स्वामिनी का मतलब होता है घर की मालकिन। देव योग मीन्स ईश्वर की इच्छा। परिश्रम, परिश्रम मीन्स होता है मेहनत। भ्रष्टता, भ्रष्टता मीन्स होता है हिठाई। अगला है कबूल, कबूल मीन्स होता है स्वीकार। जिरह, जिरह मीन्स होता है बहस। सर्वोच्च, सर्वोच्च मीन्स होता है सबसे ऊंचा। अगला प्रश्न देखेंगे, अब हमें करना है बोध प्रश्न, ठीक है। तो इसके हम उत्तर लिखे हैं, मैं आपको प्रश्न बोलूंगा ऐसी बुक से देखकर, और आपको उत्तर इधर लिखे हुए हैं तो मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया, इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो यह होगा, इससे यह पता चलता है कि जुम्मन का स्वभाव लालची और स्वार्थी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, मैं अलग पका खा लूंगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा। आपने पाठ पढ़ा हुआ था तो आप अपना दिमाग भी लगाएंगे कि खाला ने ऐसा क्यों कहा, तो इसमें आपको उसी से उत्तर मिल जाएंगे सारे। अब दूसरा देखेंगे, इसका उत्तर है खाला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जुम्मन की पत्नी उनको खाना देते समय ताने भी देती थी, मतलब साथ साथ उनको खाना के साथ उनको ताने भी मिलते थे, इसलिए खाला ने ऐसा कहा। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था, ठीक है। आपने पाठ पढ़ा हुआ है, आपको तुरंत याद आ गया होगा कि क्यों कबूल किया था। खाला की जायदाद प्राप्त करने के लिए जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। क्या देख के कबूल किया था, रोटी और जायदाद देख के, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गया। आपने पाठ पढ़ा था तो आपको पता चल गया होगा कि जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गया था। इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है, जुम्मन को लगा था कि उसका दोस्त अलगू उसके पक्ष में फैसला लेगा, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ, इसलिए फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हो गया। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में एक जिम्मेदारी का भाव प्रकट हो गया या पैदा हो गया, ठीक है। इसलिए उसने जो सही फैसला होना चाहिए था उसने वही लिया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो भी है सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, तो मैं यहाँ से आपको बोलूंगा, आपको बुक में फिल कर लेना है। ये कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको विकल्प के तरीके से हम देखेंगे। नंबर का है, जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उसके खिलाफ फैसला दिया, क्योंकि क्यों दिया था, इसमें देखिए आप, अलगू सच्चा मित्र नहीं था, जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था, तीसरा ऑप्शन है सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। तो इन तीनों में से कौन सा सही है। पहले कुछ आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उसके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि, अब इसमें कौन सा सही लग रहा है, तीसरा नंबर, क्योंकि सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, तो हम इस वाले तीसरे वाले कॉलम पे सही का निशान लगाएंगे। अगला है, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें, क्योंकि जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। अगला है, जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया। अगला है, बैल की मृत्यु केवल इसी कारण हुई कि उससे
कठिन परिश्रम दिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया। तो फिर इसका जो आंसर होगा ये तीसरा वाला है, बैल की मृत्यु केवल इसी कारण हुई थी क्योंकि उससे कठिन परिश्रम लिया गया है और उसको खाने पानी का इंतजाम प्रबंध नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम अगले उसमें बढ़ेंगे, नंबर तीन। बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन, कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में रखे गए हैं, उन्हें सही क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, तो जो ये बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीन में, ये सारे वाक्य गलत क्रम में रखे हुए हैं, हमें इनको सही क्रम में रखना है, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। नंबर पहला जो वाक्य था उस लेसन में वो ये है, जुम्मन सेठ की एक बूढ़ी खाला थी। ठीक है, नंबर दूसरा, उनके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। ठीक है, नंबर तीसरा, जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। ठीक है, नंबर फोर, एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव प्रकट हो गया, पैदा हो गया। थोड़ी देर बाद नंबर सेवन है, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। ठीक है बेटा, ये आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो आप बुक में देखिए, लिखा हुआ है, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाण ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगा। ऐसा किसने कहा था, आपने पाठ पढ़ा हुआ है, आपको तुरंत पता चल गया होगा कैसे किसने कहा था। तो इसका जो आंसर है वो ये लिखा हुआ है पहले नंबर पर, खाला ने जुम्मन। ठीक है, अगला, रुपए क्या यहाँ फलते हैं, ऐसा किसने कहा था, इधर इसका आंसर लिखा हुआ है जुम्मन ने खाला से। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है, से जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निभाए में बराबर हो। ये किसने कहा था, ये कहा था अलगू चौधरी ने जुम्मन से। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो, ऐसा किसने कहा था, लोगों ने कहा था किससे, समझू से। ठीक है, समझू था उसे। अगला जो पॉइंट है, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे, ऐसा किसने कहा था, जुम्मन ने अलगू चौधरी और समझू साहू से। किसने कहा था, जुम्मन ने अलगू चौधरी और समझू साहू से क्या कहा था, समझू के लिए ये उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। अगला जो पॉइंट है वो है, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन होते हैं, तो ऐसा किसने कहा था, खाला ने जुम्मन से।